और मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे कोटा संभाग की, जहाँ से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। एक ही दिन में दो एसीबी ट्रैप के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा का डबल धमाका। दोनों ही ट्रैप कोटा जिले के इटावा उपखंड में हुए हैं। पहला ट्रैप गेंता सरपंच भवानी शंकर नगर का हुआ है, जो कि एक परिवादी से जमीन का अंतकाल खोलने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि के चेक के अलावा 1000 रुपए नकद लेते हुए ब्यूरो दल के हत्थे चढ़ा है। असल में परिवादी ने अपने दादी के नाम की 7 बीघा जमीन का बेचान किया था और इसी बेचान का इंतकाल खोलने की एवज में सरपंच परिवादी से लगातार बड़ी रिश्वत राशि की मांग किए जा रहा था। तो वहीं दूसरा ट्रैप इटावा पुलिस थाने के एसआई रणवीर सिंह का हुआ है, जो कि दलाल की मारपत एक मुकदमे को रफा दफा करने की एवज में परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वतखोरी कर रहा था। दलाल राम सिंह को विरोध दल ने दबोच लिया, लेकिन ट्रैप के भनक लगने के बाद एसआई रणवीर सिंह फरार हो गया, जिसकी फिलहाल एसीबी टीमें तलाश कर रही है। एसीबी के एसपी ठाकुर चंद्रशील के मुताबिक इन दोनों ट्रैप को लेकर रोचक बात यह है कि ये दोनों ही ट्रैप दो अलग अलग मामलों में दो अलग अलग स्थानों पर दो अलग अलग व्यक्तियों के हुए हैं, लेकिन दोनों ही ट्रैप में परिवादी एक ही व्यक्ति है, देवली अरब बोरखेड़ा कोटा निवासी विनीत कुमारी होगी। अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी बाड़मेर से दुर्ग सिंह राज पुरोहित। भारत का पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान का सिंध सूबा, दोनों मुल्कों के बीच 18 फरवरी 2006 को करीब 5 दशक बाद रेल सेवा शुरू की गई थी। इस रेल सेवा को नाम दिया गया थार एक्सप्रेस। जब थार एक्सप्रेस इस इलाके में शुरू हुई तो बाड़मेर, जैसलमेर और पाकिस्तान के सिंध सूबे में रहने वाले हजारों हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान परिवारों के रिश्तों की डोर वापस जुड़ने की गुंजाइश बंद गई थी। लेकिन 2 साल पहले बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सरकार ने थार एक्सप्रेस को बंद कर दिया। 2 साल से भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे परिवार हैं जो अपने लोगों से मिलने को बेकरार हैं, लेकिन सियासी दूरियों ने, सरहदों ने उनके बीच में दूरियां बढ़ा दी हैं। दरअसल बाड़मेर और जैसलमेर की 3 परिवारों की बहुएं पाकिस्तान के सिंध सूबे में पिछले 2 साल से भारत आने का इंतजार कर रही थी। जगह जगह उम्मीद फरियाद करने के बाद भी कोई जब उनके सहारे में नहीं आया, तब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह बीड़ा उठाया। सरहद के उस पार भारत और पाकिस्तान के कई ऐसे लोग ऐसे ट्रेन सेवा से अब मरहूम हैं। उनको लगता है कि अगर ये ट्रेन सेवा शुरू रहती तो शायद रिश्तों की रेल लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को कायम रखती। लोगों की अब मांग है कि भारत और पाकिस्तान की सरकारें दिल बड़ा करें और रेल सेवा को वापस बहाल करें, ताकि सिंध और हिंद के टूटते रिश्तों को वापस जोड़ा जा सके। अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि। लेक सिटी उदयपुर में छात्र छात्राओं के विद्यालय और छात्रावास लगातार कोरोना एपिक सेंटर के रूप में सामने आ रहे हैं। आज उदयपुर के कस्तूरबा गांधी और खेल छात्रावास में कुल 16 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट हो गई। तुरंत से स्वास्थ्य महकमे की टीम मौके पर पहुंची और पूरे छात्रावास में सैनिटाइजेशन कराया गया, साथ ही कोरोना संक्रमित छात्राओं को आइसोलेट भी किया गया। आज शहर के मधुबन इलाके में स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 16 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गईं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, साथ ही छात्रावास में रह रही अन्य सभी छात्राओं की रैंडम सैंपलिंग कराई गई। कोरोना संक्रमित पाई गई छात्राओं को आइसोलेट किया है। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी स्कूल और छात्रावासों में कोरोना सैंपलिंग शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शहर के अंध विद्यालय में भी एक साथ 29 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दरअसल उदयपुर जिले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों भी शहर के अम्बा माता स्थित अंध विद्यालय में 29 छात्र और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इस तमाम स्थितियों के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने तमाम स्कूल और छात्रावासों में रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। आगामी दिनों में डीजीपी के संभावित दौरे के मद्देनजर पुलिस दिख रही एक्टिव और सतर्क। आज एसपी प्रीतिचंद्रा ने ली जिले के सीओज की बैठक, कहा लंबित प्रकरणों पर तुरंत हो कार्रवाई। साथ ही साथ कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में मेंटेन रहे, रेगुलर गश्त थाना इलाकों में हो, इन सब बातों पर फोकस रखें।
तो वहीं आज ट्रैफिक पुलिस भी दिखी एक्टिव। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो जान जोखिम में डालने वाले भी थे तो कुछ हैरान कर देने वाले भी। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में आज ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटे। इस दौरान कुछ लोग हाथ जोड़ते नजर आए तो कुछ ट्रैफिक पुलिस को देखकर अपने वाहन दौड़ाते नजर आए, जिससे कई बार दुर्घटना होते होते बची। आज बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी संख्या में चालान किए। कहीं ना कहीं जिस तरह का मैंडेट है कि संभाग मुख्यालयों पर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ड्राइविंग करें, उसी के मद्देनजर ये कोशिश रही। अजमेर संभाग के भीलवाड़ा से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी नवीन जोशी। कपड़ा नगरी में मंगलवार का दिन दर्दनाक हादसों की दास्तान लेकर आया। भीलवाड़ा में दो बड़े हादसे हुए जिसमें 6 लोगों की अकाल मौत हो गई। पहला हादसा भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग 79 पर घटित हुआ, जहां एक अल्टो कार को कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौत के समाचार मिलने के साथ ही करेड़ा कस्बे में शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है कि करेड़ा कस्बे में रहने वाली सास बहू और एक बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। देर शाम को सास बहू की एक ही चिता पर अंतिम संस्कार करने के साथ ही गमगीन माहौल में करेड़ा कस्बे में बदल गया। उधर एक हादसा बिजोलिया थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में हुआ, जहां राजस्व गांव भगवानपुरा के नजदीक एक माइंस में हादसे के दौरान 3 श्रमिकों की मलबे में दबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माइंस पर धूप अधिक होने के चलते दोपहर के समय में छाया की जुगाड़ में कुछ लोग मजदूरों के साथ में मलबे की छाया में बैठे हुए थे। इस दौरान मलबा ढह गया और इस मलबे में ढह जाने से बूंदी जिले के रहने वाले 3 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले चिकित्सालय में मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को एक साथ हुए 2 हादसों में 6 लोगों की मौत के साथ ही भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे व बिजोलिया के गणेशपुरा में शोक की लहर छा गई। भरतपुर संभाग के करौली से बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज। करौली धौलपुर मार्ग पर NH11B पर दीपरा गांव के समीप 2 बाइकों की हुई भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हुआ, जिसे करौली जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार लांगरा थाना क्षेत्र में गढ़ीका गांव निवासी लाल सिंह अपने परिचित कांकरियापुरा निवासी प्रहलाद के साथ बाइक से जा रहा था। इस दौरान सरमथुरा की ओर से आ रहे झील का निवासी शिवशंकर और उसके साथ उपेंद्र की बाइक पर भिड़ंत हो गई, जिस दुर्घटना में 3 की मौत हो गई, साथ ही उपेंद्र गंभीर घायल हुआ, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर चारों क्षत विक्षत हालत में पड़े नजर आए। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 को मृत घोषित कर दिया, जबकि 4th को जयपुर रेफर किया। पुलिस ने आधार कार्ड के आधार पर मृतकों की शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी। जैसे ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, शवों को देखकर बिलख पड़े। सदर थाना अधिकारी अमित कुमार कोतवाली चौकी के ASI चंद्र हुसैन ने जिला अस्पताल में शवों के पोस्टमार्टम कराए और परिजनों को सौंप दिया।